क्या हम प्लास्टिक को खाते हैं? इसके बारे में जानने के लिए वेलकम टू आवर चैनल हेवन क्रिएटर्स। प्लास्टिक हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। जहाँ कहीं भी देखो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही दिखता है। एक रिकॉर्डिंग अनुसार पूरे वर्ल्ड में 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं। देखा जाए तो पूरे दिन में हम 1.5 अरब प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सितंबर 2017 रिपोर्ट अकॉर्डिंग इंडिया के 60 मेजर सिटीज़ में 25,940 टन प्लास्टिक हम एक दिन में वेस्ट करते हैं, जिसमें से 94% सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो कहीं रीयूज नहीं किया जाता है। अब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है? जो प्लास्टिक को हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं उसे ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोला जाता है। जैसे कि चिप्स के रैपर, चॉकलेट के रैपर, बिस्किट के रैपर एक्सेट्रा, इन प्लास्टिक को कोई कलेक्ट भी नहीं करता है और ये सालों सालों तक ऐसे ही नेचर में पड़ा रहता है। और ये वेस्ट समुंदर में जाते ही समुंदर के पानी से रिएक्ट होकर इनके माइक्रो पार्टिकल बनते हैं और उन्हें मछलियाँ अपना खाना समझ के खा लेती हैं। मछलियाँ इस प्लास्टिक को नहीं खाती हैं, अलग अलग जानवर भी इस प्लास्टिक को खाते हैं और उन्हें हम खाते हैं। इस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को इनडायरेक्टली खाते हैं, जिससे हमें अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, एलर्जी, कैंसर एक्सेट्रा। इसका कोई भी सोल्यूशन है? है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसको हम यूज़ करके फेंक देते हैं, हम उनसे इकोब्रिक्स बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इकोब्रिक्स को कैसे बना सकते हैं। इसलिए आपको यूज़ किया हुआ एक बॉटल चाहिए। उनमें हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके पूरे बॉटल को अच्छे से भरना है और इस इकोब्रिक्स को आप हमें भी दे सकते हो। हम ये इकोब्रिक्स को अच्छे तरीके से रिसाइकिलिंग करने के लिए भेज रहे हैं। आपकी एक छोटा सा कोशिश भी पूरे ह्यूमन एंड नेचर को बचा सकता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि जो नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, वो नेचर को बचाने के लिए हम एक छोटा सा कोशिश भी नहीं कर सकते हैं?